आज हम लोग वीजा बनवाने जा रहे हैं, सॉरी वीजा रिन्यू करवाने जा रहे हैं। मेरा तो मार्च में एक्सपायर है। हाँ, इसका मार्च में, इसका भी मार्च में एक्सपायर है दोनों का, लेकिन मेरा 2 फरवरी को एक्सपायर है, तो मेरे को अभी बनाना पड़ेगा इस वीक के अंदर में। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, -25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, और अभी तुरंत हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं। सबमिटिव एग्ज़ाम होता है, MCQ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसको सब में सबको 5-5 नंबर ही लाना था, 5 या 10 नंबर, सबके 50-50 नंबर आए हैं। और ये रहा अपना, इसके पीछे उधर पे लाइब्रेरी है, तो आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी कैसा है। सामने वहाँ पे लाइब्रेरी और सामने यूनिवर्सिटी। और ये निर्देश लोग जा रहा है उधर पे, मैं इधर से जा रहा हूँ कि मेरे फ्रेम में ना आए। और ये सुंदरता देख लो ठंड में कैसा है। और मेरे एक हाथ में ग्लव्स है, जिस हाथ में फ़ोन है उस हाथ में ग्लव्स नहीं है, तो उसमें सख्त ज़रूरत है अभी ग्लव्स का, उसको पहनना ही पड़ेगा अभी। वीज़ा कैसे रिन्यू करवाएं? स्टूडेंट वीज़ा के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में, बहुत ज़्यादा ठंड है। एक बार दिखाना भाई, -22 है आज बाहर, और अभी तो ठीक है भाई, 2 वीक पहले ही -36 भी था। रिन्यू करवाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या? सबसे पहले आपको पासपोर्ट, इन नंबर, वीजा फॉर्म एंड एनरोलमेंट लेटर और हमारे पास वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार दिखा दो भाई, ऐसा होता है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। और ये है बैंक का रिसिप्ट बैंक में पेमेंट करने के बाद। और आपको यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से एनरोलमेंट लेटर लेना है, उसके बाद जाके आपको पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट कर देना। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सबमिट करना है जब मेरा टाइम आएगा। अभी 1 बज रहा है और वो ऑफिस 2 बजे से शुरू होता है स्टूडेंट्स के लिए। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, वो पासपोर्ट देख के सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक खुद से फिल कर लेते हैं और इन नंबर से वो ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। कितना लगा? 1,12,760। बस इतना टेंगे आपको पे करना है। So guys, this is the basic geographical map of Kazakhstan. और Kazakhstan is the one of the largest, I think 10th or 12th largest country in area wise. Population इनके हमारे राजस्थान से भी कम है, but area wise. तो मेन जो है ये इतने इनके डिस्ट्रिक्ट, जो भी स्टेट बोलते हैं, अलमाटी है। आप जब भी इंडिया से आओगे यहाँ पे लैंड होगे, इंडिया नीचे है, ठीक है। इधर उज़्बेकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान है, और अलमाटी से आप ट्रेन से आ सकते हो, ये है हमारा सेमी। तो इधर यू कैन कम विथ ट्रेन और फ्लाइट, बहुत ही फैसिलिटीज आर अवेलेबल। इधर इनका अलमाटी है, अस्ताना है जो इनका कैपिटल है, ये अक्तोबे है, बहुत से बच्चे यहाँ पे भी रहते हैं। और सेमी के साइड में जो है इधर मंगोलिया, चाइना और रशिया, 3 बॉर्डर ही शेयर करता है। इस साइड आई थिंक वो है, पता नहीं क्या, इस साइड शायद सी है। इधर नीचे तो उज़्बेकिस्तान है, इधर जो है किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो सब नीचे। तो अपन जैसे अलमाटी, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, तो जो डिस्टेंस है वो इसीलिए इतना कम है कि 3 घंटे में अपन आ जाते हैं। फ्लाइट ड्यूरेशन 3 घंटे होता है। तो आपको कुछ कहना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में? हेलो, तो हाँ भाई,